हाय एवरीवन, मैं नैना वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिससे आप अपनी स्किन के अंदर जितनी भी डलनेस, ड्राइनेस और रफनेस है उसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सर्दियों के इस मौसम में हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई, डल और रफ रहती है। इसकी खास वजह ये है क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होने लगती है। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होममेड क्रीम जिसकी वजह से आप अपनी स्किन के अंदर जितनी भी ड्राइनेस और रफनेस है उसे दूर कर सकते हैं और अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज बना सकते हैं। दोस्तों, ये क्रीम ना केवल आपके चेहरे को ड्राई होने से बचाएगी बल्कि आपके स्किन के अंदर जितनी भी रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, ब्लैक स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन के निशान हैं तो उन्हें भी दूर कर देगी, क्योंकि हम इसमें ऐसे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस होममेड क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आपको फ्रेश एलोवेरा का यूज नहीं करना है क्योंकि हम इस क्रीम को बाद में स्टोर करेंगे। और इसके बाद आपको चाहिए 2 चम्मच मलाई और बोरोलिन क्रीम चाहिए आपको और विटामिन ई की 2 कैप्सूल चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस क्रीम को बनाना। मैंने यहाँ पर कोल्ड क्रीम का एक कंटेनर यूज किया है। अब आप इस कंटेनर को खोलिए। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मलाई, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 विटामिन ई कैप्सूल्स। विटामिन ई कैप्सूल्स का ऑयल हम इसमें यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम इस क्रीम में ऐड करेंगे बहुत ही कम अमाउंट में बोरोलिन क्रीम और अभी हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप प्रॉपरली मिक्स करने के बाद इस क्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्रीमी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। तो अब आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे आप अपनी कोई भी कोल्ड क्रीम, नाइट क्रीम का यूज करते हैं इसी तरह आप इसका यूज करेंगे। और अगर आप इसे रात में यूज करते हैं तो अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन करके ही आप इसका यूज कीजिए। अभी मैं आपको यूज करने का तरीका भी बता देती हूँ कि सबसे पहले सादा पानी से ही आप अपने चेहरे को धो लें और इसके बाद इसकी बहुत ही कम अमाउंट लेकर अपने पूरे चेहरे पर इसकी मसाज करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने इसमें एलोवेरा का भी यूज़ किया है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मैंने इसमें यूज़ किया है जैतून का तेल। जैतून के तेल से हमारी स्किन के अंदर एक खूबसूरती और टाइटनेस बनती है। ये हमारी स्किन को इंस्टेंटली ग्लो भी देता है और ये हमारी स्किन को इंस्टेंटली टाइट भी रखता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने इस क्रीम को बनाने के लिए मलाई का इस्तेमाल किया है। मलाई में बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये चेहरे को बेदाग भी बनाती हैं। फ्रेंड्स, फाइनली ये क्रीम पूरी तरह से नेचुरल भी है और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको आज का हमारे क्रीम का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए और भी बहुत सारी हेल्पफुल रेमेडीज़ बनाती रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक पहुँचाइए और सर्दियों में ये क्रीम बनाकर रख लीजिए और इसे आप पूरी सर्दियों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश रहिए और देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो मैं नैना मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।